राधे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल हरे कृष्णा आर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जन्माष्टमी ब्लॉग है, थोड़ा लेट हो गया था। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे कानों को मैं घंटी बजा के उठा रही हूँ बहुत प्यार से। मेरे कानों के दिन, मैं जन्माष्टमी के दिन अपने कानों को थोड़ा सा देर से उठाती हूँ। यहाँ मैंने ये ताली बजाई और प्यार से अपने कानों को सहलाते हुए मैंने उठाया और ये देखिए मेरे कानों में भी गया। फिर मैंने राधे राधे उन्हें विश किया, उन्हें जन्मदिन विश किया, जन्माष्टमी की बधाई दी, खूब सारा प्यार किया। और उसके बाद मैंने अपने कान्हा को जल पिलाया। मेरे कान्हा ने जल ग्रहण किया। उसके बाद मैंने उनका मुख को साफ किया और फिर मैंने नहाने की तैयारी करी। मैंने लिया थोड़ा सा जल, कच्चा दूध, गंगा जल, उसके बाद थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, फिर उसके मैंने बाद गुलाब जल लिया, थोड़ी सी मैंने केसर की पत्तियाँ ली। कुछ लोग सुबह सुबह पंचामृत स्नान भी कराते हैं, पर मैंने नहीं कराया, मैं शाम को कराऊंगी। और ये देखिए नया पात्र भी लिया, उसमें मैंने स्वास्तिक बनाया, तुलसी पात्र भी रखा। उसके बाद थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ मैंने पर डाली। और ये देखिए मैंने फिर जन्माष्टमी वाले दिन अपने कान्हा को इत्र सेवा भी दी थी। इत्र सेवा करना अच्छा होता है, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं इत्र सेवा से। जन्माष्टमी वाले दिन आप इत्र सेवा उन्हें दें, इत्र की मालिश करें तो बहुत ही शुभ और अच्छा होता है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं इत्र सेवा से, क्योंकि उन्हें इत्र बहुत पसंद है। उसके बाद मेरे कान्हा जी नहाने के लिए आ गए थे अपने नए पात्र में। और ये देखिए मैंने अपने कान्हा को बिठा दिया है और थोड़ा सा चंदन मैंने अपने हाथों पे लिया और चंदन की थोड़ी सी मालिश की। आप ध्यान रखिए, जब भी आप मालिश करें इत्र से या चंदन सेवा दें तो हाथों में कुछ ना पहने, कान्हा जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए उसी जो मैंने जल मिक्स किया था उसको, उससे मैंने अपने कान्हा को नहलाया। मेरे कान्हा जी बहुत खुश हो रहे थे स्नान करते हुए, बहुत उन पर चमक आ रही थी उस दिन। ये कान्हा जी मेरे नहा चुके हैं, उन्होंने स्नान कर लिया है और इस जल को मैं बढ़ा दूंगी और थोड़ा सा अपने सर माथे में से हमेशा पानी को लगाती हूँ। फिर मैंने गणपति जी को भी उस दिन कच्चे दूध में स्नान कराया था, क्योंकि गणपति को हम पूछते हैं हर पूजा में सबसे पहले, इसीलिए। और फिर मैंने छोटी सी गैया ली थी अपने कान्हा के लिए, उनको भी मैंने कच्चे दूध में नहलाया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा तुलसी का पौधा लिया था, उसको भी मैंने कच्चे दूध से स्नान कराया। ये सारी चीज़ों को मैंने कच्चे दूध में स्नान कराया था। बेसिकली इसका कोई ऐसा खास नहीं है प्रावधान, बट मेरा मन था तो मैंने ये कर लिया। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें शुद्ध होगी। वैसे तो मैंने गंगा जल छिड़क लिया था रात ही, बट फिर भी। उसके बाद मैंने अपने कान्हा की चरण पादुका जो ली थी, उन चरण पादुका को भी मैंने कच्चे दूध में स्वच्छ कर लिया था, बिल्कुल साफ़ कर लिया था, उन्हें भी मैंने स्नान करा दिया था। बेसिकली आई वस्त्र पहनने की बारी। मैंने अपने कान्हा को निक्कर पहनाई, नीली नई नई। और ये देखिए मेरे कान्हा की सुंदर सी ड्रेस, यहाँ मेरा कान्हा तैयार हो गया। ये मेरे कान्हा के कान के हैं, बट पता नहीं क्यों मेरे कान्हा जी कान के नहीं पहनते, कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे निकालने पड़ते हैं। ये तुलसी माला, ये माला, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरे कान्हा के हाथों के हैं, ये मैं इनके हाथों के लेके आई थी मल्टी कलर के, कितने खूबसूरत। ये देखिए ये मेरे कान्हा हो गए रेडी, कितने खूबसूरत, कितने सुंदर लग रहे हैं, इतनी मुस्कान थी इनके चेहरे पर। और ये मैंने अपने कान्हा को उपहार में दी थी चांदी की बांसुरी। चांदी की बांसुरी उपहार में देना बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जन्माष्टमी वाले दिन। नहीं है तो फिर आप बांस की बांसुरी भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लगाया भोग, भोग में था दूध, केसर वाला और पंचमेवा। ये देखिए कान्हा जी बैठे हैं झूले पर, ये मेरे कान्हा की चरण पादुका कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखिए कान्हा कितने खूबसूरत, मोहित हो गई मैं उन पर पूरा आज। मेरे कान्हा की माखन मटकी, ये मोर और ये उनके पंखे, छोटा सा तुलसी पात, और ये कलश दिया, मैंने खनजोत दिया लगाया था, ये रखा साइड में देखो। और ये मेरे कान्हा का, अब मेरे, ये मेरे कान्हा का है गर्भगृह। ये शाम का समय था, मैंने गर्भगृह, और ये देख हस्बैंड जी डेकोरेट कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हाँ तकरीबन
10 10:30 का टाइम था, तो हमें लगा थोड़ा सजा लेते हैं, टाइम भी कट जाएगा। और ये मैं छाते के साथ ही, मेरे कान्हा का सुंदर सा केक, मैंने येलो थीम रखी थी तो सब कुछ येलो येलो था। कान्हा की छोटा सा छाता, ये भी येलो ही मैंने लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया ये, जिसमें कान्हा स्नान करेंगे 12 बजे। उसकी तैयारी है मैंने पहले से कर ली थी, ये वस्त्र, उनका सामान, केश माला, और ये पान, माखन, मिश्री, पंचमेवा, ये सब कुछ तैयार था। ये देखिए जोत, हम जोत का दिया, ये पंचामृत जिससे वो स्नान करेंगे, मिठाई, भोजन, फल, और ये चाबी। जन्माष्टमी वाले दिन में कान्हा को चाबी दे देती हूँ, बहुत से लोग छठी वाले दिन दे देते हैं। ये देखिए ये कलश है, कलश का, और ये गर्भगृह में इस टाइम मेरे कान्हा जी हैं। और ये कुछ ऐसा सेटअप था जन्माष्टमी वाले दिन, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और ये 12 बज चुके हैं, और खीरे से मैंने कान्हा का जन्म कराया। आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो आप उससे कट कीजिएगा, और नहीं तो 1 रुपया भी चलेगा, मगर चाकू से नहीं। ये देखिए, ये मेरा कान्हा बाहर आया, और मैंने यहाँ इस टाइम बोला था, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, घंटी बजाई। और ये कान्हा, और ये मेरा कान्हा आ गया नहाने के लिए। मैंने गुनगुना पानी लिया था क्योंकि रात के 12 बजे थे। सबसे पहले कच्चा दूध, ये देखिए। और जब भी आप स्नान कराएं, वैसे भी जन्माष्टमी के बिना भी, तो ओम नमो भगवते वासुदेव का जब आप करते रहिए, मैं तो हमेशा करती हूँ। ये यहाँ पर ये दही, फिर ये आया चीनी, शक्कर, बूरा भी ले सकते हैं, और शहद, और सबसे अंत में घी, घृत, ये लिया। गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है, दूध भी, और घी भी नहीं है तो कुछ भी चलेगा, भैंस का भी चलेगा। और ये छोटी सी बाल्टी मेरे कान्हा की, इससे मेरे कान्हा को मैंने जल अर्पण करा। और ये फिर मैंने और जल डाला क्योंकि बहुत चिकने हो रहे थे, घी वगैरह डाल रहा था। और जैसे ही पंचामृत से स्नान करा, उसके बाद कान्हा इतने चमक मार रहे थे, इतने खूबसूरत, इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए कान्हा फाइनली नहा चुके हैं, उन्होंने निक्कर भी पहन ली। और ये देखिए कान्हा की सुंदर सी पीली ड्रेस, बहुत खूबसूरत है, सीक्वेंस वाली ड्रेस, काफ़ी हल्की ड्रेस थी और देखने में काफ़ी हैवी लग रही थी, बट बहुत हल्की थी, आरामदायक। ये माला बड़ी हो रही थी, मैंने फिर छोटी करके इसको पहनाया, पीली ही माला ली क्योंकि थीम पीली थी, और जन्माष्टमी में पीला पहनाना भी शुभ होता है। ये केश लगा दिए मैंने कान्हा के, उसके बाद मुकुट सुंदर सा, और ये इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें, इत्र सेवा देना बिल्कुल ना भूलें कान्हा को। और ये चंदन का तिलक लगाया, पीले चंदन का, ये उनकी बंसी चांदी की जो मैंने उन्हें उपहार में सुबह दी थी। ये देखिए कान्हा जी सज गए हैं पूरे, अब कान्हा का झूला उनका इंतज़ार कर रहा है। ये मैंने उन्हें शीशा दिखा दिया है, शीशा दिखाना उन्हें बिल्कुल ना भूलें, उन्हें तैयार करने के बाद उन्हें शीशा अवश्य दिखाएं। ये कान्हा विराजमान हो गए झूले पे, वो देखिए ये कितनी सुंदर, ओहो कान्हा को नज़र न लग जाए। अपने कान्हा को काला टीका ज़रूर लगाएं, मैंने तो अपने कान्हा को लगाया था। पूजा की थाली मैंने रेडी कर ली है क्योंकि 12/2 से 12/48 का पूजा का मुहूर्त था, उसी बीच मुझे सब निपटाना था। ये कान्हा को मैंने फूलमाला अर्पित की, पीली फूलमाला अर्पित की, दिए पर भी दी लगाई थी मैंने, और तुलसी का जो वो पौधा था उस पर भी लगाई थी, बाकी गैया के आगे फूल लगते थे। ये यहाँ मैंने आरती शुरू कर दी थी, और यहाँ ये आरती चल रही है, कृष्णा आरती, कपूर जला लिया था, स्वास्तिक भी बना लिया था। आप सब इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, पूजा की थाली में स्वास्तिक जरूर बनाएं। यहाँ ये मैं पूजा कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ, और धीरे धीरे अपने कान्हा को झूला दे रही हूँ, झूला झुलाते रहें पूजा के दौरान। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे कान्हा, इतना माहौल अच्छा हो गया था, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, ऐसा लग रहा था मैं मतलब भगवान ऊपर से ही उतर के साक्षात आ गए हैं। ये थोड़ा सा शॉर्ट लिया था मैंने इस तरीके से, हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कान्हा यानी कुंज, इनका नाम है कुंज, कुंज को झुला रहे थे, आरू पीछे सो रही है। ये देखिए कान्हा लगभग लगभग यहाँ पर हमारी आरती डन हो चुकी है, और हम तकरीबन टाइम था 12:30 बजे। कान्हा को धीरे धीरे झुला रहे थे, और यहाँ मैंने उन्हें भोग लगाया था माखन का, माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं कान्हा को, वैसे भी लगाते रहें जन्माष्टमी में अवश्य लगाएं। और ये मीठा पान, पान
चढ़ाना और पान का भोग लगाना शुभ होता है जन्माष्टमी में ठाकुर जी को। तो ये मैंने उन्हें पान का भोग लगाया था, मीठे पान का, आप भी ज़रूर लगाएं। और ये केक, अब है केक कट करने की बारी। हैप्पी बर्थडे कान्हा, हैप्पी बर्थडे कुंजी। कट हुआ केक और कान्हा को भोग लगेगा केक का। ये मेरे कान्हा ने केक खाया, मैंने उन्हें भोग अर्पित कर दिया। ये देखिए स्टिकर, मैंने स्टिकर भी लगवाया था। और ये हस्बैंड ने भी केक का भोग लगा दिया है कान्हा को। अब मैंने खाना जो बनाया था मैं उसका भोग लगा रही हूँ, मिठाई वगैरह का भी भोग सब लगा।